जैसे मैंने कहा अपने अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं, दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी, पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाए। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाजत के। पुलिस इनके अंडर नहीं है तो कौन सी सरकार चला रहे हैं यहाँ के, क्या चलाएंगे? पंजाब जैसे प्रदेश को चलाएंगे? अनुभव ही नहीं है उनको। और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं लेकिन देश में जी कोई गवर्नेंस नहीं है, आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती रोजगार होते, अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती, अगर गवर्नेंस होती तो जो रोजगार पैदा करने वाले PSU हैं वो अपने दोस्तों को ही बेची जाती, और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए कौन कर रहा है? गवर्नेंस करके दिखाइए ना, तब बात करिए। ये तो आपने अपनी ऑरा बना रखी है, आप मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं, उनपे तो 2000 करोड़ खर्च रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में भी तो बताइए ना।